गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आज बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग की आप लोगों की क्लास है। देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने मटेरियल पढ़ा और स्टार्टिंग में सीखा था मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह ये सब। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग करके। तो आज हम लोग लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग सीखेंगे। लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे मटेरियल कॉस्टिंग होती थी, इसमें मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सारी चीज़ें कंप्यूट करते थे। उसी तरह से जो है लेबर का टर्नओवर, यानी किसी भी फैक्ट्री में कितना लेबर आया, कितना लेबर गया, उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, या आइडल टाइम क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर में आती है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं लेबर कॉस्ट होती क्या है। तो हमने साइड में हेडिंग डाल दी लेबर कॉस्ट। देखिए, लेबर कॉस्ट का मतलब होता है बेटा, लेबर कॉस्ट इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन वर्कर्स बाय वे ऑफ वेजेस एंड अदर मॉनेटरी पेमेंट्स एंड आल्सो द बेनिफिट्स गिवन टू देम ऑफ नॉन मॉनेटरी नेचर। दिस कॉस्ट इंक्लूड मॉनेटरी पेमेंट्स एंड नॉन मॉनेटरी पेमेंट। लेबर कॉस्ट आपकी दो तरह की होती है, या तो मॉनेटरी टर्म्स में होगी, या दूसरा है आपका नॉन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है मनी के टर्म्स में, जैसे वेजेस देना, या हमने लेबर अपने यहाँ लगा लिया, उसका डीए हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI की सुविधा दे रहे हैं अपने लेबर को, ग्रेचुटी है, पेंशन है, या अपने एम्प्लॉय को हॉलीडे पे दे रहे हैं कि चलो भाई छुट्टी कर लो, जम्मू कश्मीर जाना है घूमने, वैष्णो देवी दर्शन करने, तो तुम चले जाओ लेकिन पैसा नहीं कटेगा। तो ये भी एक प्रकार का आपका मॉनेटरी पेमेंट है। तो इस तरीके से हम लेबर को मॉनेटरी टर्म्स में भी देते हैं पैसा, और एक हमारा होता है नॉन मॉनेटरी टर्म्स। नॉन मॉनेटरी टर्म्स और फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं इसको। तो फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं, दीज इंक्लूड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, कैंटीन सब्सिडीज, मील्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज, हाउसिंग फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। ये आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। इट मीन्स जैसे रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है कि जब एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा है ऑफिस में मन लगा के, तो उसको बीच बीच में चाय, बिस्कुट, टॉफी, कंपट दे दिया, खिलो या खा लो ये तुम, तो ये आपका नॉन मॉनेटरी है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में आ जाएगा। मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, कभी बीमार हुआ उसका इलाज कराने के लिए हमने दे दिया पैसा, तो ये भी आपका आ जाएगा इसमें। इसी तरह एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, कैंटीन सब्सिडीज, मील्स। कैंटीन सब्सिडीज मील्स का मतलब है बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसको खाना भी मिलेगा सस्ता। बाहर अगर 15 रुपये छोला भटूरा मिल रहा है तो फैक्ट्री के अंदर उसको 5 ही रुपये मिल जाएगा। तो जो डिफरेंस आता है, आपको अंदर 5 रुपये मिल गया, बाहर 15 रुपये का, तो ये एक प्रकार से 10 रुपये की बचत हो गई। नॉन मॉनेटरी टर्म्स है, एक सुविधा एक प्रकार से हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बन जाती हैं लेबर कॉस्ट। इसके बाद बात करते हैं लेबर टर्नओवर क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का बेटा मतलब है, लेबर टर्नओवर इज एन इंडेक्स डिनोटिंग चेंज इन एंड आउट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है इन एंड आउट, इन एंड आउट। इट मीन्स कितना लेबर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में या पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में कितना एम्प्लॉय फैक्ट्री में आया, हमने कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड की। एंड आउट का मतलब होता है कि कितना लेबर हमारा काम छोड़ के चला गया, मतलब काम कर रहा था ड्यू टू एनी रीज़न उसने जॉब ही छोड़ दी, तो ये आउट हो जाएगा। द लेबर फोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड इन एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट, वर्कर्स लीव दियर जॉब्स एंड न्यू वर्कर्स हैव टू बी अपॉइंटेड टू रिप्लेस देम। द रेशियो ऑफ द रिप्लेस्ड वर्कर्स टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेशियो। द रेशियो ऑफ द रिप्लेस्ड
वर्कर्स, कितने वर्कर्स ने रिप्लेस किया, मतलब उन वर्कर्स जो छोड़ के चले गए उनके बदले कितने नए आ गए, और अपॉन अगर हम कर दें टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स, हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, इस कॉल्ड द लेबर टर्नओवर रेशियो, उसको लेबर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। अब बात करते हैं कि लेबर टर्नओवर रेशियो का मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो मेज़रमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो, इसमें सबसे पहला जो आपका मेथड आता है वो आता है सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड। दूसरा हमारे पास मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड हो गया। तीसरा मेथड होता है फ्लक्स मेथड। इन तीन मेथड से जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेपरेशन मेथड की, कि ये सेपरेशन मेथड से किस तरीके से सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सेपरेशन मेथड। फर्स्ट है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का मतलब होता है द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर। इसका फार्मूला है आपका टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड इन 200। परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए इन 200 भी कर देंगे इसमें। तो इस तरीके से ये फार्मूला हम लोग बन गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितना एम्प्लॉय छोड़कर चला गया है उसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड, और इन 200 कर देना है। एवरेज नंबर का यहाँ पर मतलब है एवरेज नंबर निकालने के लिए बहुत ईजी, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए नंबर एट द बिगनिंग प्लस नंबर एट द एंड अपॉन टू कर देंगे तो ये एवरेज हमारा निकल आएगा। और जो ये निकल के आएगा इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, और जितने भी एम्प्लॉय छोड़ कर गए होंगे पर्टिकुलर फैक्ट्री से उसको ऊपर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इन 200। तो ये हमारा सेपरेशन मेथड से सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बेटा मेथड है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड, तो उसको भी ज़रा देखते हैं कि रिप्लेसमेंट मेथड में क्या करना है। हमने यहाँ लिख लिया सेकंड नंबर रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में द फार्मूला अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन द पीरियड, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड इन 200। तो ये आपका फार्मूला है रिप्लेसमेंट मेथड में, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन द पीरियड, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो एम्प्लॉय छोड़कर गए हैं उनके बदले में हम कितने एम्प्लॉयज़ को ले आए हैं वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड जिस तरीके से हमने बताया था इन 200। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा रिप्लेसमेंट मेथड से। इसका तीसरा आपका आता है फ्लक्स मेथड, तो नीचे हमने डाल दिया थर्ड नंबर फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड द मेथड यूजेस द फॉलोइंग फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेबर टर्नओवर। फ्लक्स मेथड में कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड 1 और 2 है
यानी कि जो ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड पढ़ा है उन्हीं दोनों कंबाइंड कर देते हैं तो फ्लक्स मेथड बन जाता है, यानी कि नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड इन 200। इससे आप फ्लक्स मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीन मेथड होते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो आपके निकालने के, जो हम लोगों ने देखे हैं अभी, ये तीन फार्मूले। अब इसमें आता है आपका न्यूमेरिकल्स, इसके हम लोग कल सॉल्व करेंगे लाइव में। आइडल टाइम, आज कॉन्सेप्ट समझते हैं इस चैप्टर का। आइडल टाइम का बेटा मतलब होता है द टाइम व्हेन द वर्कर्स डज नॉट वर्क एंड रिमेंस आइडल इज द आइडल टाइम। मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें वर्कर्स काम नहीं करता है, या हम ये कहें कि वर्कर्स आ गया अपने टाइम से, उसके बाद हमने कहा कि भाई काम करो, तो वो कह रहा रुक जाओ अभी काम कर लें, पूजा कर लें पहले मशीन की। अब अगरबत्ती निकाल ली उसने पूजा करने के लिए, अब उसमें तो मना नहीं कर सकते ना पूजा ना करो। फिर गणेश जी की फ़ोटो जेब से निकाल ली, खिलाओ भाई अभी गणेश जी की रही गई है पूजा करना, उसकी पूजा हुई तो फिर कहीं लोहे की पूजा कर लें, सरिया की पूजा करना, मतलब समय बर्बाद करना कुल मिला के। तो लेबर ऐसे करते हैं बहुत से, या बीच बीच में चले जाते हैं पानी पीने, कहीं बाथरूम में घुस जाते हैं जाके, निकलते नहीं बाहर। फिर जब मालिक आता है कहता है ये फलाने कहाँ चले गए, तो कहीं अंदर गए भैया अभी आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जो समय बर्बाद होता है इसका हम कोई पेमेंट तो काटते नहीं है वर्कर का, हमें वेजेस वगैरह तो पूरी देनी पड़ती है ना अपने लेबर को। तो इस तरह का समय जो जिसमें वो काम नहीं करता है लेबर, या हम ये कहें कि व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है जो टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं आइडल टाइम। ये आइडल टाइम द फॉलोइंग और इट्स कॉजेज, कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है एग्जाम में, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो पहला इसका बेटा कॉज है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग का मतलब है आपने वर्कर्स रख लिए, कोई प्लान नहीं बनाया, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, सही से प्लान ना बनाने की वजह से भी टाइम बर्बाद हो सकता है। दूसरा है केयरलेसनेस इन सुपरविज़न, केयरलेसनेस इन सुपरविज़न, जो हमारा सुपरवाइज़र था वो सही से देख नहीं रहा है, देख रेख नहीं कर रहा, जब मन होता है लेबर कहीं भी चला जाता है और जब मन होता है लौट के आ जाता है, उसका मन किया तो वहीं सो गया मशीन के नीचे घुस के जाके अंदर, कोई देखने वाला नहीं, वो भी कहीं तक आ करना काम करके कपड़े वपड़े धो लो जब तक। तो इस तरीके से अगर उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा तो केयरलेसनेस इन सुपरविज़न इसको बोलते हैं, कि समय अपना वो बर्बाद कर रहा है आराम से, और जहाँ महीना उसका पूरा हुआ उसने कर लाओ भैया हमें वेजेस का मेरा टाइम हो गया है, बच्चे भूखे घर में लेटे हैं, चलो पैसा दो, महीने भर के उसने वेजेस ले लिए, अंदर कुछ काम भी नहीं किया विशेष। तो ये सब क्या है, सब आइडल टाइम में आएगा, लेकिन इसमें जो कमी है वो किसकी वजह से हुआ है, केयरलेसनेस इन सुपरविज़न, जो सुपरवाइज़र था या सुपरविज़न जो हुआ वो सही नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका कन्फ्रंटेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, कन्फ्रंटेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। अगर कोई झगड़ा हो गया है लेबर और मैनेजमेंट के बीच, झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे केस में भी लेबर मन से काम नहीं करेगा, आपको बार बार कहना पड़ेगा जाके कि कर लो यार काम, कर लो, करते काहे नहीं हो तुम काम, हम वो क्या करे, मालिक बेकार है, बहुत बेकार टाइप का ये मालिक है। तो बार बार इसे बोल के काम कराने से अच्छा है कि फिर उसको आज़ाद कर दो हमेशा के लिए, लेबर को ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप फिर भी उसी लेबर के साथ रखते हैं और कहते हैं ठीक है भाई इसी से काम चलाना, ये बहुत काम का आदमी है, तो उस केस में वो जैसे भी काम करेगा आपको फिर रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आइडल टाइम तो नहीं कर रहा है, समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये भी एक कारण हो सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब होता है ट्रेड डिप्रेशन और सीवियर कंपटीशन लोअर्स द प्रोडक्शन एंड
सो लेबर रिमेंस इफेक्टिवली अनयूटिलाइज्ड। कोई ट्रेड डिप्रेशन चल रहा है मार्केट में, या प्रोडक्शन कम हो रहा है और आप बार बार उससे सैलरी काटने की बात कर रहे हैं या कुछ उस तरह बोलते हैं, तो भी वो काम सही से नहीं कर पाए। कुछ अदर रीजंस भी होते हैं फिफ्थ पॉइंट में, अदर रीज़न द इलेक्ट्रिसिटी में फेल और द मशीन में ब्रेक डाउन फॉर सम और मोर टाइम दे मेक लेबर टू रिमेन आइडल फॉर द टाइम बीइंग। बत्ती चली गई अचानक, अब लाइट चली गई, मशीन बंद हो गई, तो लेबर की कोई गलती तो नहीं है ना, आप उसमें उसका वेजेस भी नहीं काट सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आइडल टाइम का मतलब समय बर्बाद होना और उसकी वेजेस ना कटना, तब वो आइडल टाइम बन जाएगा। तो इस तरह से लाइट का चले जाना, लाइट चली जाएगी तो भी इसमें आप लेबर को कुछ नहीं कह सकते हैं और उस केस में भी आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपका होता है आइडल टाइम, इसको याद रखना है, शॉर्ट उसमें पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। ओवर टाइम का मतलब होता है कि अगर किसी भी वर्कर ने 8 घंटे उसको नॉर्मल टाइम था उसका काम करने का और 8 घंटे से ज़्यादा उसने काम कर दिया, तो 9 घंटे 10 घंटे जो भी एक्स्ट्रा काम करता है अपने टाइम ड्यूरेशन के अलावा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर टाइम। और ओवर टाइम का भी उसको पेमेंट दिया जाता है। पेमेंट किस तरीके से दिया जाता है इसको हम लोग कल सीखेंगे न्यूमेरिकल्स पोर्शन में। तो आज के दिन इस चैप्टर का ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसको आप नोट कर लें अपनी कापी में ताकि कल जब हम लोग न्यूमेरिकल लाइव क्लास में करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा इस चैप्टर को, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत है तो आप हमें कल बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाकी घर में रहें और सुरक्षित रहें आप लोग, धन्यवाद।